हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे कि प्रोडक्ट, सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि इफ़, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ वाई इक्वल टू, इसमें दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकेंड फंक्शन, देन क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये इसका प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है। जैसे इफ़ वाई इक्वल टू हमारा क्या है, यू इंटू में वी, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू। अब हम इसको और अच्छी तरह से कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके समझते हैं कि जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई अपॉन में डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में ई एक्स। इसमें हमारा क्या है, दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी फंक्शन है और ई एक्स भी हमारा क्या है, फंक्शन है। तो इसको हम किस मेथड से कर सकते हैं, इसको हम बाय प्रोडक्ट रूल से मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स। उसके बाद अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हम लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ई एक्स हमारा सेकंड फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू में डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी अपॉन में डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरह अब हम डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर ई एक्स को तो क्या आएगा हमारा, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है प्लस ई एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स। तो हमारा क्या आएगा, ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ई एक्स। अब हम चाहें तो इसमें हम देखेंगे दोनों में ई एक्स जो है हमारा कॉमन है, तो ई एक्स को हम बाहर ले लेते हैं और अंदर हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड कह रहा है डी वाई अपॉन में डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू फोर एक्स इंटू में रूट का एक्स प्लस वन। इसमें ये भी दो फंक्शन है, फोर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स लॉग ए। ओके, तो हम फोर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और रूट एक्स प्लस वन को सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो हमारा वाई क्या है, वाई इक्वल टू फोर एक्स रूट एक्स प्लस में वन। ओके, तो सबसे पहले अब हम डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स का, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू सबसे पहले क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन रूट एक्स प्लस वन प्लस, इनके बीच में प्लस का साइन है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज रूट एक्स प्लस वन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन फोर एक्स। तो हम फोर एक्स तो हमारा एज इट इज आएगा यहाँ पे, अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन में टू रूट एक्स होता है और प्लस वन का हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, प्लस सेकंड क्या है हमारा, रूट एक्स प्लस वन और डिफरेंशिएशन क्या है हमारा, फोर एक्स का मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, मतलब इंटू में फोर ए, सॉरी
क्या होता है ए एक्स, ए एक्स हमारा क्या होगा इसमें, फोर एक्स लॉग फोर, ए एक्स लॉग ए। इसको अब हम टी वाई अपॉन में डी एक्स करते हैं, फोर एक्स टू रूट में एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस में वन, फोर एक्स लॉग ई फोर, ये हमारा आंसर हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डी वाई अपॉन में डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू में कॉसेक इनवर्स एक्स। अब कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था माइनस वन एक्स रूट एक्स माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का। ओके, हमारा वाई क्या है, हमारा वाई क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में कॉसेक इनवर्स एक्स। तो हम डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कॉसेक इनवर्स एक्स सेकंड का प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके, प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या होगा, टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो हमारा क्या आएगा, माइनस का वन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ डी वाई अपॉन में डी एक्स इफ वाई इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमारा वाई क्या है, वाई इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स इंटू में थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें हम देखेंगे दोनों हमारे फंक्शन है, सेम रूल करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स। अगर आपको आने लगा है समझ में, अगर आप शुरू में आप कर रहे हैं तो पूरा लिखें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, जैसे क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वन प्लस साइन एक्स इंटू में सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ओके, प्लस सेकंड एज इट इज इंटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का वन का डेरिवेटिव प्लस साइन का क्या होगा, कॉस एक्स। तो हमारा क्या आएगा यहाँ, वन प्लस साइन एक्स इंटू में थ्री माइनस साइन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स है तो हम कॉस एक्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसके बाद आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है डी वाई अपॉन में डी एक्स इफ वाई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। इसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या है, तीन हमारे फंक्शन है, इसमें ई एक्स भी फंक्शन है, साइन एक्स भी फंक्शन है और लॉग एक्स भी हमारा फंक्शन है।
अब हम इस तरह के सॉल्व, हमें तो सिर्फ दो का फॉर्मूला पता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड हो, तीन फंक्शन का तो हमें आता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ई एक्स और साइन एक्स को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन। ओके, ये ई एक्स साइन एक्स को हम एक ले लेंगे और लॉग एक्स को हम सेकेंड फंक्शन कर लेंगे। ओके, तो हमारा क्या आएगा, वाई क्या होगा हमारा, ई एक्स साइन एक्स और सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है, लॉग एक्स। इसको ई एक्स साइन एक्स को हमने पूरा लेट करके फर्स्ट फंक्शन मान लिया और लॉग एक्स को हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया। तो अब हमारा इजी हो गया, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसमें जो होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकेंड फंक्शन का ही हो सकता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन ई एक्स साइन एक्स इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई एक्स साइन एक्स। ओके, तो अब हम डेरिवेटिव करते हैं, ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, ई एक्स और साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन में एक्स होता है, प्लस लॉग एक्स इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स ही होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ओके, तो हमारा क्या आएगा, ई एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस में ई एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। इस तरह आज हमने पांच क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रोडक्ट रूल के। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको समझ ना आया हो, या किसी चीज़ में अगर आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो मैंने अभी डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक स्टार्ट किया है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।